दोस्तों सचिन सर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ज्यादातर से लोग गांजा या भांग का नशा करते हैं, तो ऐसे में दूध या दही का सेवन काफी ज्यादा मात्रा में करते हैं। लेकिन दोस्तों गांजे का सेवन करने के बाद से या भांग का सेवन करने के बाद से दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों अगर आप गांजा का सेवन करते हैं उसके बाद से दूध का सेवन करते हैं, यह आपके पाचन तंत्र को काफी कमजोर करता है, यानी आपके पाचन तंत्र को खराब कर सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि गांजा पीने के बाद से दूध पीने से या हमारे पाचन तंत्र को कैसे प्रभावित करता है। दोस्तों अगर आप गांजा भांग का नशा किए रहते हैं, ऐसे में आप अगर दूध का सेवन अत्यधिक या दूध का सेवन करते हैं, तो ऐसे में गैस कब्ज की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अगर आपका पाचन तंत्र पहले से ही कमजोर है और ऐसे में अगर आप गांजा या भांग का सेवन किए हैं और दूध या दही का सेवन कर लेते हैं, तो ऐसे में आपके पेट में गैस कब्ज की समस्या देखने को मिल सकती है, जिससे आपका आपके शरीर में दूध से मिलने वाले प्रोटीन या उसके पोषक तत्व आपके शरीर में ना लग के आपको ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे तो में दरअसल दोस्तों क्या होता है कि जब आप गांजा या भांग का सेवन करते हैं, ऐसे में आपका भूख काफ़ी तेज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारा भोजन करने का मन करता है। तो ऐसे में अगर आप दूध का या दही का सेवन अत्यधिक करते हैं, अगर उसका सेवन करते हैं, तो इससे गैस कब्ज की समस्या हो जाएगी। बाद में आपको अगले दिन आपको देखने को ये हो सकता है कि आपका पाचन तंत्र काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या, जैसे उल्टी मतली का होना, डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। तो इसलिए दोस्तों गांजा पीने के बाद से बिल्कुल ही तुरंत अगर आप दूध का सेवन ना करें, 2-4 घंटे बाद आप दूध या दही का सेवन कर सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गांजा पीने के बाद से तुरंत दूध या दही का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ हों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं।